तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम है। तो इसमें होने क्या वाला है, मैं एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन होगा जहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी कोई डेट सेलेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि नो अवेलेबल ट्रेन अवेलेबल फॉर दिस डेट। सो एक बार हम इसमें कोई डेट सेलेक्ट करते हैं, लाइक मैं 28 सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारे पास कुछ डेटा आता है जो कि ट्रेन अवेलेबल ऑन दिस डेट, और एक पहले ट्रेन का नाम है, और इस डेट पे दो ट्रेन अवेलेबल हैं, वन एंड टू। इस पहले ट्रेन का नाम है ट्रेन वन, और अवेलेबल सीट्स जो है इसके अंदर 7 है, और दूसरी ट्रेन है जो उसका नाम ट्रेन 4 है, एक्सप्रेस ट्रेन 4, एंड इसमें अवेलेबल सीट्स 9 है। एक बार हम इन दोनों में ट्रेन में हम सीट्स भी देख सकते हैं। लाइक मैं व्यू सीट पे अगर क्लिक करूँ तो हमारे पास जो 9 अवेलेबल सीट्स थी वो ग्रीन से रिप्रेजेंट होती हैं और ब्लू से। सो ग्रीन एंड ब्लू आर अवेलेबल फॉर बुकिंग। तो जो ब्लू कलर्स की ब्लॉक्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये उन लोगों के लिए रिजर्व सीट है जो फिजिकली चैलेंज हैं और एल्डर पर्सन हैं, जो उनके लिए ओल्डर पर्सन जो हैं उनके लिए। और जो ग्रीन है वो अवेलेबल है फुल्ली सबके लिए, एंड जो रेड है वो ऑलरेडी बुकड है। ठीक है, तो एक बार मैं अगर ग्रीन ब्लू या ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो हम ये नंबर ऑफ अवेलेबल सीट जो है वो कम होंगे। लाइक मैं अगर ये ब्लू फर्स्ट पे क्लिक किया तो अभी 9 थे, अब ये कम होकर 8 हो गया, मतलब सीट एक बुक हो चुकी है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब वापस से यूज़र इस पर क्लिक नहीं कर सकता है। सेम इसी तरह मैं थर्ड सीट को अगर बुक करना चाहूँ तो मैं एक बार क्लिक करूँगा एंड ये रेड वाली सीट थर्ड वाली सीट बुक हो चुकी है और इसका नंबर डिक्रीज हो चुका है। इसी तरह मैं अगर सारे एक बार बुक कर लेते हैं तो अभी इस ट्रेन में अभी कोई सीट्स अवेलेबल है ही नहीं, 0 हो गया है, एंड अब यूज़र किसी पे भी क्लिक नहीं कर सकता है। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट में यही बनाने वाले हैं। तो अभी मैं इसको बनाने के लिए हमने कुछ डेटा यूज़ किया है, वो मैं दिखा देता हूँ। वो डेटा कुछ ऐसा दिखता है, ट्रेन जिसके अंदर एक एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा जिसमें मल्टीपल ट्रेन्स की डिटेल्स हैं, एंड उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, सीट्स की जो करंट स्टेटस है वो बुकड है या नहीं बुकड है। अगर बुकड है तो बुक नहीं है तो क्या वो फिजिकल PWD के लिए अवेलेबल है या नहीं, वो डिटेल्स हमें यहाँ से मिलेंगी। तो बेसिकली हमें ये डेटा यूज़ करके हमें अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। एंड ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से एक चैनल से पिक किया था, आई विल पिंग द चैनल नेम इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अपने VS कोड में चलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम बनाने वाले हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले ऊपर जो एक तो पहले हमें यहाँ पे हेडिंग लिखी होगी जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखे हुए हैं, ट्रेन एंड बुकिंग इट्स अ सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से हम डेट चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे डेट करता हूँ। यहाँ से जैसे ही यूज़र डेट चूज़ करेगा तो हमारे पास जो भी डेटा लिखा है, ये डेटा था, ठीक है, इस डेटा से हमें एक फ़िल्टर लगाना होगा। इसमें मैं यहाँ पे बस लॉजिक एक बार जो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इस जो भी डेट यूज़र ने पिक किया तो वो डेट ये उस डेट को लेके ये पूरा डेटा जो था हमारा उस पर फ़िल्टर लगेगा, और जो भी ट्रेन्स इस डेट पे अवेलेबल होगी वो हमारा इस अगले वाले ग्रिड में यहाँ पे दिखने वाला है। डिव बोलने ग्रिड बोलने में इसे ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाला हूँ ताकि हमें ये पता चलता रहे काउंटिंग की कितने ट्रेन्स अवेलेबल थी। तो यहाँ पे लाइक ट्रेन ए अवेलेबल थी आज के डेट में एंड ट्रेन डी अवेलेबल थी आज के डेट में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अब दोनों ट्रेन्स के लिए एक बटन होगी जो कि जिस पे हम व्यू कर सकते हैं अवेलेबल सीट्स, व्यू सीट्स। ठीक है, सेम दोनों के लिए सेम बटन यूज़ करेंगे, एंड एक बार यूज़र इस पर अगर क्लिक करता है तो हम यहाँ से एक ट्रेन आईडी भेजेंगे, ट्रेन आईडी। ठीक है, ये ट्रेन आईडी हर ट्रेन के लिए यूनिक है। तो अब हम इस ट्रेन आईडी का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली कौन सी ट्रेन के पे यूज़र ने क्लिक किया। जिस भी ट्रेन पे यूज़र ने क्लिक किया होगा उस ट्रेन से हम अवेलेबल सीट्स नाम की जो है वहाँ से काउंट बता सकते हैं एग्जैक्टली कि इस ट्रेन में कितना सीट्स खाली हैं। एंड जो नीचे बॉक्स बना था उसके लिए
इस डेटा में जो भी डेटा है उस डेटा में एक एरे पड़ा है जिसका नाम इस की का नाम सीड्स है। इस सीड्स में जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था जिसके अंदर जो अवेलेबल सीट्स है उसकी डिटेल्स है या फिर वो बुकड है या खाली है, क्या वो PWD के लिए अवेलेबल है या नहीं, वो डेटा हम इससे पिक करेंगे पूरे के पूरे एंड इसको मैप कर देंगे एंड उस मैप को यूज़ करते हुए वो जो ब्लॉक्स बने थे वो बनाएंगे एंड इस ब्लॉक के कलर्स जो हैं वो डिसाइड होंगे कि अगर वो बुकड है ऑलरेडी इज बुकड जो है वो ट्रू है, अगर वो बुकड है तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे एंड उसको क्लिकेबल नहीं बनाएंगे, डिसेबल बना देंगे, और अगर वो अवेलेबल है और PWD के लिए अवेलेबल नहीं है देन हम क्या करेंगे कि उसको ग्रीन करेंगे क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है। अगर वो PWD के लिए अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे उसको ब्लू बनाएंगे, लाइक वो बस PWD की कैटेगरी के लोग ही उसको बुक कर सकते हैं, ऐसा सीन। तो मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन वन बाई वन करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोड पे चलते हैं जो मैंने अभी, जो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। ओके, ये मैं खुला रहने देता हूँ रेफरेंस के लिए, हम यहाँ से एंड वापस से चलते हैं, पेज को रिफ्रेश मैं करता हूँ। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, मैं कोड दिखाता हूँ एंड हाँ, तो अभी मैंने ये बनाया है और इस app.js में अभी कुछ नहीं है, बस एक हेडिंग है कोड करोगे डॉट के नाम से एंड इसकी CSS जो थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट होने वाली है वो मैंने यहाँ रख रखी है, जिसमें सबसे पहले मैंने रेड ग्रीन एंड ब्लू के नाम से सारे कलर डिक्लेयर कर रखे जो हम बाद में यूज़ करेंगे एंड उसके बाद ये बॉक्स की कलर है जो हम यूज़ करेंगे, तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा इनको, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक इसका चाइल्ड बनाता हूँ, जहाँ पे एक सेपरेट कंपोनेंट बनाता हूँ जहाँ पे ये सारे एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो मैं इसका नाम रखता हूँ ट्रेन बुकिंग okay. इसको मैं कॉल करता हूँ इस हेडिंग के बाद, ठीक है, और मैं ब्राउज़र पे जाके अगर रिफ्रेश करूँ तो हम देख सकते हैं कि हमने जो कंपोनेंट बनाया है वो यहाँ कॉल हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंपोनेंट में हमें एक हमें क्या देना होगा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि मैं चाहूँ तो ये नाम दे सकते हैं या इग्नोर करते हैं, मैं डायरेक्टली ये देता हूँ सेलेक्ट डेट एंड इसको देने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा यहाँ पे एक लेबल, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ डेव एंड यहाँ पे होगा लेबल, इसको लिखते हैं सेलेक्ट डेट, ठीक है, एंड एक इनपुट टैग बनाता हूँ, इनपुट टैग एंड ये सेल्फ क्लोजिंग होने वाला है, इसका टाइप मैं करता हूँ डेट, ठीक है, एंड ऑन चेंज पे मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ हैंडल डेट, हैंडल डेट चेंज, ठीक है। अब मैं ANG इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन करता हूँ, जस्ट इसके बाद कॉन्स्ट पेस्ट किया एंड इक्वल्स टू कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन एंड इसके अंदर लॉग लिखते हैं, जो भी यूज़र ने चेंज किया होगा वो हम निकालने के लिए e.target.value का यूज़ करेंगे, तो e.target.value, ठीक है। अभी हमें ये वैल्यू लॉग में मिलेगी, मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे एंड रिफ्रेश मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं, स्टॉप एंड लेट मी चेंज मेक सम चेंज लाइक 29, मैं जैसे चेंज किया हमें एक डेट मिल गई 29, 10 and 24, तो अभी के लिए डेट मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेटा जो दूसरे फाइल में पड़ा है उस फाइल का नाम मैंने रखा है data.js, data.js को पहले अपने फाइल में ले आते हैं, तो यहाँ पे इसको लाने के लिए बस डायरेक्टली मैं इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट करली ब्रेसेस एंड डेटा, या इसका नाम मैंने रखा है ट्रेन डेटा, मैं चल के फाइल में देखता हूँ, हाँ इसका एक वेरिएबल बनाया है इसके अंदर रखा है ट्रेन डेटा, तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने फाइल में, मैंने अपने फाइल में इंपोर्ट किया, अब मैं लॉक कराता हूँ इसको, लॉक करा है ट्रेन डेटा, ठीक है, सेव करते हैं। अभी हम देख सकते हैं जैसे ही मैंने कुछ डेट चेंज किया
एंड हमारे पास पूरा का पूरा ट्रेन डेटा था जब वो आ गया। अब हमें क्या करना है, लॉजिकली जैसे यूज़र चेंज करता है हमें फ़िल्टर लगाना होगा इस ट्रेन डेटा पे कि कौन सी इसमें अंदर और इस ऑब्जेक्ट में डेटा में हमारे पास एक की है डेट, इस डेट से हमें कंपेयर करना होगा कि अगर वो आज के डेट से मैच होता है तो वो फिल्टर आउट हो जाए, अदरवाइज ना हो। तो मैं लॉजिक लगाता हूँ, ओके। तो हमारे पास होगा ट्रेन डेटा डॉट फिल्टर, हम कॉल बैक बनाएंगे OBJ एंड कॉल बैक, एंड यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे OBJ डॉट डेट, अगर इक्वल्स टू है जो डेटा यूज़र ने पास किया है, यूज़र डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और हमें इसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं पूरे को पैरेंथेसिस में कर देता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग, कॉल बैक बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, लेट फिल्टर डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक डेटा, और लॉग मैं करा देता हूँ अभी फिल्टर डेटा को, फिल्टर डेटा। मैं कोड सेव करता हूँ एंड वापस से चलते हैं, और मैं ब्राउज़र रिफ्रेश करता हूँ, अभी कोई डेटा नहीं है। जैसे ही मैं चेंज करता हूँ लाइक 28 का हमारे पास डेटा है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही यूज़र ने क्लिक किया तो हमारे पास पहले चार थे हमारे पूरे डेटा में, चार ऑब्जेक्ट हैं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी हमारे पास केवल दो बचा है। क्यों? क्योंकि इसकी डेट जो है वो 28 है, यूज़र ने 28 सेलेक्ट किया तो हमारे पास 28 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये लॉग हटाता हूँ मैं ऊपर से, एंड इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि एक मैं स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, इसका नाम रखते हैं ट्रेन ऑन डेट, इसका नाम ट्रेन ऑन डेट रखते हैं, और इसको ऑन डेट इसको सेट करते हैं, इसका सेट बनाते हैं ट्रेन, ओके, और इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इनिशियली ये एक एम्प्टी एरे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इस किसी फिल्टर में डालने की बजाय मैं इसको डायरेक्टली सेट करा दूँगा इस स्टेटमेंट, ठीक है, इसको पैरेंथिस में डालते हैं। तो अभी हमारे पास जो भी फिल्टर आउट होगा वो आके इस ट्रेन ऑन डेट पे हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें इस पे जितने भी ट्रेन्स अवेलेबल हैं आज के डेट में वो दिखानी है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि ट्रेन ऑन डेट पे ट्रेन ऑन डेट डॉट मैप लगाएंगे, डॉट मैप, ठीक है, और इसमें पास करेंगे हम OBJ कॉमा इंडेक्स i, कॉल बैक पैरेंथेसिस रिटर्न पैरेंथेसिस एंड एंटर। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं एक इसके बाहर मैं बनाता हूँ एक UL कर टैग एंड इट विल बी UL, इसको यहाँ से कट करते हैं। मैं पूरे को रैप करने वाला हूँ इसके अंदर, तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ एंड इसको भी हम यहाँ से उठा के बाहर निकाल देंगे, ठीक है, Alt Shift F, ठीक है। इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे li, एंड इसको UL बनाने की जगह मैं OA बनाऊंगा ताकि ऑर्डर लिस्ट रहे एंड काउंटिंग उसकी चलती रहे, हमें पता चलता रहे कि कितने ट्रेंस अवेलेबल हैं। Alt Shift F किया, li के अंदर मैं एग्जैक्टली ट्रेन का सबसे पहले नाम लिखने वाला हूँ, तो OBJ डॉट नेम आई थिंक, और डेटा में जाके देखते हैं इसका नाम क्या, ट्रेन इसका नाम नेम है, नेम चाहिए अब, और हमें अवेलेबल सीट्स हम दिखाने वाले हैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं NAME करने वाला हूँ, एंड इसके बाद हाइफन अवेलेबल ए सीट्स कोलन, एंड इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं OBJ डॉट अवेलेबल, मैं कॉपी कर लेता हूँ की का नाम, एक्जैक्टली में चाहिए होगा, ओके। तो मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमें हमारे पास एक डेट आई है अभी, एंड जैसे मैं डेट पे सेलेक्ट करता हूँ 29 पे हमारे हम देख सकते हैं कि एक ट्रेन अवेलेबल है जिसका नाम एक्सप्रेस ट्रेन ट्रू है, एक्सप्रेस ट्रेन टू है, इसके अंदर दो सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एंड मैं डेट चेंज करता हूँ, तो 28
जैक इस डेट पे हमें दो हमारे पास दो ट्रेन अवेलेबल हैं एंड एक का नाम ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन 4 है एंड इसमें जो अवेलेबल सीट्स हैं वो 9 है और दूसरे में 7 सीट्स खाली हैं। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ हमें करनी है कि इस इन दोनों पे व्यू बटन इनेबल करनी है। लाइक एक बटन होगी इसके आगे जिसके आगे व्यू यूज़र व्यू पे क्लिक करके आगे की डिटेल्स देख सकता है उसके अंदर दोनों ट्रेन में कितनी सीट्स खाली हैं। जो ये डेटा दिख रहा है इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी करने के लिए मैं इसको एंकर टैग अलाइनमेंट डाल के मैं डायरेक्टली एच का यूज करूँगा, H3 का यूज करते हैं। क्लोज करते हैं इसको एंड ओके। ठीक है, अब और मैं इसको एक की पास कर दूँगा जो कि यूनिक होनी चाहिए, जो कि हमारे पास आई मिल रहा है हमें। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, बटन क्लोजिंग टैग एंड इस पर लिखेंगे व्यू और सीट्स। ओके, और इस पर मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम कॉल बैक बनाएंगे क्योंकि हमें एक इसकी ट्रेन आईडी पास करनी होगी ताकि हम ऊपर जाके फिल्टर आउट कर सकें। तो मैं इसको कॉल बैक बनाता हूँ, इसको देता हूँ हैंडल व्यू सीट्स और कॉल बैक में हम पास कर देंगे obj.train, इसका नाम था ट्रेन आईडी, ये चीज़ हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूँ इस फंक्शन को const और इस फंक्शन का नाम एंड इक्वल्स टू कॉल बैक बनाएंगे एक एरो फंक्शन है। नीचे जाके नीचे से हमने इसकी आईडी पास करी है तो हमें ऊपर ग्रेड करनी होगी, तो मैं इसको आईडी के नाम से ग्रेड करता हूँ। अभी क्या होगा कि नीचे जो डेटा अब इतना स्ट्रक्चर बन गया है, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, अब हमें क्या बनाना है एग्जैक्टली वो मैं देखते हैं। लाइक हम ये प्रोजेक्ट रनिंग है तो अभी क्या होगा कि इस पर जैसे यूज़र ने 28 पे क्लिक किया हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि मिल गया। ठीक है, अब हमें इम्प्लीमेंट क्या करना है कि जैसे यूज़र ने व्यू सीट पे क्लिक किया तो हमें इस ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन 1 जो है इसकी डिटेल्स नीचे फील होनी हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक अभी इनिशियल स्टेज है तो अभी हमें यहाँ पे जो कोई डेटा सेलेक्ट नहीं किया यूज़र ने तो यहाँ नो ट्रेन अवेलेबल, या फिर अगर कोई ऐसी डेट सेलेक्ट करता जिस दिन कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं, लाइक 7 पे कोई ट्रेन अवेलेबल है तो यहाँ नो ट्रेन अवेलेबल लिख के आना चाहिए। अपने कंडीशन में ऐसा नहीं है, मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूँ तो ऐसा दिखता। मैं इसको कंडीशन को थोड़ा सा सही करता हूँ, एक कंडीशन लगते हैं यहाँ पे। ओके, तो अवेलेबल सीट्स हो गया एंड यहाँ पे मैं एक टैग बनाता हूँ H1 टैग बना एंड इसके इसको कर्ली ब्रेसेस करते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर ट्रेन ऑन डेट डॉट लेंथ, इसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है ऐसा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर डेटा है कुछ हम दिखा सकते हैं। तो हम दिखाएंगे अवेलेबल ट्रेन्स अवेलेबल आर ऑन डेट दिखा देंगे। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ कि कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे वापस मैं H1 टैग बनाता हूँ क्लोजिंग टैग एंड अदरवाइज अगर उसकी ट्रेन ऑन डेट की लेंथ अगर 0 है या फिर 0 है तो डायरेक्टली लिख देंगे नो ट्रेन अवेले नो ट्रेन अवेलेबल। ओके, एंड इसके अंदर हमें लिखना होगा कि ट्रेन अवेलेबल और यहाँ पे हम डेट पिक कर लेंगे। तो डेट पिक करने के लिए एग्जैक्टली हम सिंपल सा ट्रेन ऑन डेट के 0th इंडेक्स पे जाएंगे एंड डॉट हम डेट पिक कर लेंगे ऐसे। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अभी हम देख सकते हैं कि जब हम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि नो ट्रेन अवेलेबल है एंड जैसे ही यूज़र ने कोई ऐसी लाइक 28 पे ट्रेन अवेलेबल है जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेन्स अवेलेबल ऑन डेट लिखा है और नीचे दो ट्रेन की लिस्ट बन गई है। तो अभी हमें दो इम्प्लीमेंटेशन और करनी है। एक तो यूज़र जब इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमें इस ट्रेन में जितनी सीट्स अवेलेबल है लाइक 7 सीट्स हमें दिख रही हैं, ये सीट्स अवेलेबल है तो हमें इसको नीचे डिस्प्ले कराना है एंड उसके साथ साथ जितनी भी ग्रीन और ब्लू कलर अवेलेबल सीट्स हैं उनको उनके बैकग्राउंड को ब्लू कर और ग्रीन करना है। उसके साथ साथ जब जैसे यूज़र ने क्लिक किया किसी भी अवेलेबल सीट्स पे
तो वो बुक हो जानी चाहिए, लाइक ये काउंट कम हो जाना चाहिए एंड उसके साथ साथ वो उसका बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।